Good evening, sir. Good evening. Please take your seat. Thank you, sir. You need some help? No, sir. Comfortable. Thank you, sir. ठीक है, कंफर्टेबल है जी। आपका नाम अनुराधा है। अनुराधा हिंदी में बातचीत करना चाहेंगी? जी सर। ठीक है अनुराधा, तो मेरे ख्याल से कैंडिडेट से पूछा गया पहला सवाल। इसमें पहले सवाल में पूछा गया, बताइए कौन सा हॉस्पिटल बायसराय की पत्नी के नाम पर है। सो कैंडिडेट ने सोच समझकर इसका जवाब दिया। जवाब कैंडिडेट ने बताया कि यह हॉस्पिटल मध्य भारत के बायसराय की पत्नी एल्गिन के नाम से बनाया गया था। तो देख लेते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो कैंडिडेट से पूछा गया दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कैंडिडेट से पूछा गया, बताइए यदि 2 कंपनी है और 3 भीड़ हैं तो अगले 4 और 5 क्या होंगे। तो कैंडिडेट ने होशियारी से इसका जवाब दिया कि सर 4 और 5 हमेशा 9 होते हैं। तो देख लेते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कैंडिडेट से पूछा गया तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में पूछा गया, बताइए 2 बेटे और 2 पिता फिल्म देखने गए लेकिन उनके पास सिर्फ 3 टिकट हैं, फिर भी सबने फिल्म कैसे देख ली। तो इसमें कैंडिडेट ने होशियारी से जवाब दिया कि सर वह 3 लोग हैं जिसमें दादा, पिता और बेटे शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देख ली। तो प्रश्न संख्या 4 कैंडिडेट से पूछा गया, बताइए दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ कोई सांप नहीं पाया जाता है। तो कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर न्यूजीलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई सांप नहीं पाया जाता है। तो कैंडिडेट से पूछा गया पाँचवा सवाल। तो पाँचवें सवाल में कैंडिडेट से पूछा गया, कल्पना कीजिए कि आप एक जगह में हैं और वह जगह डूब रहा है, तो आप कैसे बचेंगे। तो कैंडिडेट ने बहुत ही होशियारी से इसका जवाब दिया। तो कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर कल्पना करना बंद कर दीजिए और आप बच जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि बताइए मनुष्य की एक आंख का वजन महज कितने ग्राम का होता है। सो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के साथ।